ओवरऑल पूरे ज़िले का वोटिंग परसेंटेज 64.3% रहा है, जिसमें 44 भारागोड़ा का 70.25%, 45 घाटशिला का 68.16%, 46 पोटका का 70.7%, 47 जुगसलाई का 67.59%, 48 जमशेदपुर ईस्ट का 56.66% एंड 49 जमशेदपुर वेस्ट का 56.34%। ये शाम 5 बजे तक की रिपोर्ट है। अभी भी कई स्थानों पे मतदान जो है वो जारी है, जहां पर भी कतार लगी है और उनको क्यू मैनेजमेंट के तहत क्यू पर्ची दिया गया है, और हम लोग उसको भी कंपाइल करेंगे जैसे जैसे वो हमारे कंप्लीट होंगे। लास्ट अपडेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7 PM तक होगा। ये अब तक का सबसे अधिक परसेंटेज है जी। मैं प्रीवियस इलेक्शंस के बारे में तो नहीं कह सकता, परंतु यहाँ पर कई हमारे ऐसे डेटा हैं जो कि दिखाते हैं कि शहरी क्षेत्र में थोड़ा मतदान बढ़ा है और कुछ हमारे जैसे पोटका क्षेत्र में भी हमारे मतदान बढ़ने की संभावना। स्वीप के ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया इस बार, क्या लगता है कि उसने इस बार अच्छा काम किया है? जी, मुझे बिल्कुल लगता है अवेयरनेस की जो आवश्यकता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, और हम लोग आगे भी इसके अलावा भी हमारे आगे आगे चुनाव आएंगे उसमें भी अवेयरनेस ज़रूर फैलाएंगे। कुछ ऐसे समय भी हमें पूरे मतदान के दौरान कुछ ऐसे लोग मिले जो अभी भी अवेयर नहीं थे कुछ चीज़ों के बारे में, परंतु हम लोग और भी बेहतर करते हुए और भी इसको मतदान को प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी के फिलहाल में हम लोगों का मतदान काफ़ी बढ़ा है। हम लोगों ने देखा कि मॉर्निंग से ही हमारी लंबी लंबी कतारें लग गई थी, और इवन धूप और गर्मी में भी आफ्टरनून में भी हमारे काफ़ी सारे लोग लगातार मतदान केंद्रों में आ रहे थे। तो ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत ही अच्छी जीत भी है कि सभी लोग मतदान करने ज़रूर पहुँचे। जी, कंपैरिजन में तो देखा जा ही सकता है, परंतु जुगसलाई में 67.59% हुआ है और लगभग दोनों जमशेदपुर ईस्ट और वेस्ट में 56.66 एंड 56.3। जी, जहाँ जहाँ अभी भी लंबी कतारें लगी हुई हैं वहाँ पर जहाँ पर्ची देके लास्ट एंड ऑफ पोल 5 PM पे हम लोगों ने जहाँ पर पर्ची देके क्लोज किया है, तो वो जितने भी पर्ची मिले हैं उनके अभी मतदान अभी चल रहे हैं। सर, आसिफगोड़ा में जो जाकिर नगर में जो हिंदू मध्य विद्यालय है उसका 327, 28, 29, 30 वहाँ पे हंगामा जो हो रहा था उसका कुछ पता चल सकता है? उसमें वो मजिस्ट्रेट जो बता रहे थे अपना नाम कुणाल, उनकी गाड़ी को रोके थे लोग कि EVM को लेकर के आना जाना हुआ है 4, उनका कह रहा था कि जब EVM लेके घूम रहे हैं जहाँ जरूरत नहीं देंगे, खाना खाने कहते थे तब तक हम वहाँ आ गए, उसको लेकर के वो लोग पूछ रहे थे कि खाना खाने गए तो वहाँ क्यों आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए सेक्टर मजिस्ट्रेट का कार्य होता है कि वो रिजर्व EVM लेके पूरे क्षेत्र में उसको लगभग दस पोलिंग बूथ अलॉटेड होते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है और रिजर्व EVM को लेके चलने की भी जिम्मेदारी उनकी होती है, और उनको 2 रिजर्व EVM उपलब्ध कराए गए थे। इसी संबंध में वो मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र का जायज़ा कर रहे होंगे, और उस क्रम में ही मुझे लगता है कुछ लोगों को गलतफहमी उस संबंध में हुई। नहीं, देखिए पूरी चीज़ की हम लोग एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या हुआ, संबंधित इंसिडेंट आपने मुझे बताया है उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी इस तरीके से जी हम लोग उसको दिखवा देते हैं। पूरे जिले में कोई घटना नहीं, नो इंसिडेंट रिपोर्ट। जो हमें पता लगा है कि 1 वोट उसमें पड़ा है, रेस्ट हम लोग अभी देखेंगे कि जब हमारा एंड ऑफ क्लोज ऑफ पोल। 64.3% जी, अभी एक ही वोट पड़ा है उसमें जो हमारा 5 PM तक का है, परंतु अभी हम लोग 7 PM जब हम लोग बता रहे हैं कि हमारी जब सारी क्यूज जब खत्म होंगी जो हम अनुमानित कर रहे हैं उसके बाद एक फाइनल हो जाएगा। आई थी कुछ हमारी मॉक पोल में भी EVM रिप्लेस हुई, परंतु उसके बाद चालू होने के बाद भी रिप्लेस हुई। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स ने तत्परता से वो सभी कार्य किए, सभी लोग अपने स्थानों पर समय पर पहुंचे और जल्द से जल्द उनको रिप्लेस करते हुए मतदान को चालू रखने का प्रयास किया। वो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूँ उसकी कंप्लीट जानकारी, अभी डिटेल जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। जी बताए गए जी, उस संबंध में एक मामला एक दर्ज हुआ है, और ये किसी स्पेसिफिक बूथ की जानकारी हमें अभी मेरे पास नाम नहीं है, पर उसमें ये पर्ची जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का मामला हुआ था जिसमें फ़ोटो और
इस तरीके का चुनाव चिन्ह भी था, तो उससे संबंधित मामला एक दर्ज कराया गया। वो मैं आपको जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डिटेल उपलब्ध करा सकता हूँ, अभी मुझे बूथ की जानकारी नहीं। सर, अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में वोट कराने को लेकर भी झड़प हुई थी, इस संबंध में कोई रिपोर्टेड मामला नहीं है, उसको हम लोग चेक करवा लेते हैं। ओके ओके, हम लोग चेक करवा लेते हैं, अभी हमें रिपोर्टेड कोई मामला नहीं। सर, जो फोटो वाला में सर और अगर जानकारी मिल सके, हम लोग की कार्रवाई होगी, मतदान खत्म हो ये मतदान खत्म हो चुका है, उस मामले को हम लोग को पूरा इन्वेस्टिगेट करना होगा, FIR दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ही सर अगर ऐसी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन होने पे अगर हमें कुछ मिलता है तो कार्रवाई। स्लो वोटिंग की जो शिकायत वहाँ जाकिर मेहता में भी आई थी राजस्थान में, तो उसका सॉल्यूशन हुआ था क्या, क्योंकि लगातार यही आ रही थी कि स्लो है। हमारे पास स्लो वोटिंग के लिए हम लोगों ने जहाँ जहाँ से शिकायत आ रही थी वहाँ पर एक्स्ट्रा पोलिंग पर्सनल उपलब्ध कराए थे P2 में, ताकि कर्मी हम लोग उपलब्ध करा सके। सर, इस बार इसमें कसम था कि इस बार परसेंटेज वोट का बढ़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भी और भी बाकी जो, लेकिन सर क्या वजह रहा कि हम लोग लगभग जो पिछला चुनाव था आम से उस वजह उतनी ही है? जी देखिए, एनालिसिस तो अब हम लोग भी करेंगे इस चीज़ का कि हम लोग लगभग उसी के आसपास ही रहे, और जिस तरीके से हो सकता है कि आम जनता की और हम लोगों की भी एक्सपेक्टेशन थी, मे भी उस तरीके से इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसका एनालिसिस अब हम लोग करते हुए अपनी आगे की स्ट्रेटेजी में भी सुधार लाने का प्रयास करेंगे। सर, बहुत मतदाता स्वीप के कार्यक्रम चला और उसके बाद जो मतदान हुआ मौसम अनुकूल नहीं था, उसको आप संतोषजनक मानते हैं? जी देखिए, मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि हमारा एनालिसिस अब स्टार्ट होगा कि क्या क्या कारण रहे हो सकते हैं जिनके कारण हम लोग लगभग उसी जगह पर रहे, और उसको हम लोग भी चेक करेंगे। इस बार सबसे बड़ी बात है कि जो हमको शहर के लड़के लड़कियाँ बाहर नहीं लोग बाहर आके वोटिंग किए थे, जो विदेश से नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात उठाई, एक बूथ पे मैं भी चेक करने गया था बाई चांस, क्योंकि वहाँ पर स्लो वोटिंग रिपोर्ट हो रही थी, तो हम लोग भी वहाँ पर उपस्थित हुए थे, तो 2-3 बच्चे वहाँ पर भाग के आए और उन्होंने कहा कि हम लोग बैंगलोर से आए हैं स्पेशली वोट करने, तो ये सुन के हमें भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि यही हमारा पूरा एसेंस था कि हम लोग सभी लोगों को इस तरफ अट्रैक्ट कर सकें। वो विशेषताएं रही कि जो बाहर के लोग आए इंटरेस्ट लेकर के राइट से अपना पैसा खर्च के दूसरे से काम करते, और आप लोगों ने जो कलेक्ट पोस्टल वोटिंग कराई उससे भी काफ़ी हुआ जी, आपका जो चाहिए। जी देखिए, ये जो डेटा है ये सिर्फ EVM का डेटा है, पोस्टल बैलेट का डेटा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, होम वोटिंग का भी इसमें डेटा इंक्लूडेड नहीं है, और हम लोग निश्चित ही अभी जैसा मैंने अभी आपको बताया 5 PM ये डेटा है, कहीं अभी हमारी कतारें लगी हुई है, फाइनल डेटा हमारा जैसे ही वो कतारें कम्प्लीट होगी, पोलिंग कम्प्लीट होगी, क्लोज होगी, उसके बाद पोस्टल बैलेट का अप्रॉक्सीमेटली 1% डेटा होगा।